विवधेशु संस्थानु विशेषतः सांत जवाहरलाल नेहरू विश्ववे अयन क्रम प्रोफेसर पवन कुमार जोशी महोदय सह वर्त अस्मदीय संवाद अतिथि वर्ताव्या महोदय प्रथम तो स्वागत नम चमीए कार्यक्रमीय अयनाध्यापनक्रम सम्रा वस्तु पर्यावरण विज्ञान संबद्ध अस्त तरी मश्न एष ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अध्ययन जात अस्थित सम्बद्ध तद्वारा किया लाभ जाता है जी मैंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से अपनी पूरी पढ़ाई की है और ये पर्यावरण विज्ञान में मैंने स्नातक किया और फिर उसके बाद वहां पीएचडी भी की जो मेरा कौशल जो है वो सुदूर संवेदन और जीआईएस में है गुरुकुल से पढ़ने से मुझे एक किसी भी क्रम में वैज्ञानिक जांच और शोध का एक पक्का आधार मिला और जितना मैं याद करता हूं कि शुरू के दिनों में जब हमको पर्यावरण विज्ञान पढ़ाया गया तो एक पाठ्यक्रम हुआ करता था वैदिक परिस्थिति की जिसका अध्ययन से हमें वेदों का क्या महत्व है पर्यावरण विज्ञान में और पर्यावरण विज्ञान उस समय किस तरह से देखा जाता था इसके बारे में हमें पढ़ाया गया इसके साथ ही गुरुकुल का एक अपना ही आ, माहौल रहा जो भारतीय संस्कृति और वेदांत से जुड़े रहने का जिसने मुझे अवसर दिया मुझे अभी भी ध्यान है कि हर वर्ष में हमलोग हमारा जब भी एकेडमिक सेशन शुरू होता था तो वो वार्षिक हवन से होता था जिसमें हम लोग सम्मिलित होते थे और इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने से जो पौराणिक कथाएं हैं जो हमारी जो संस्कृति है उसका एक विशिष्ट प्रभाव पड़ा है मेरी कार्यशैली में और जिस तरह से मैं वर्तमान में समस्याओं को देखता हूं तो मुझे जो हमारी संस्कृति है उसने एक बहुत ही मजबूत आधार प्रदान किया गया दिया है शुभनम महोदय अचिराद विश्वाद्रता दिवस विश्वाद्रभूमिदिवस आमा त्र अ शब्द उच्य विश्वानूप दिवस आयोज्य तयोजित भवान पर्यावरण विज्ञानी आधुनिक अथ तरी विषय संस्कृत सदर्भ सह संयोज्य किंचित नवीन तथ्यम प्रकाशयुमती भाई जब भी आप प्राचीन संस्कृत वैज्ञानिक ग्रंथ देखें जिस समय वो लिखे गए थे और जब भी उनकी चर्चा हुई तब शब्द पर्यावरण इस तरह के शब्द मौजूद नहीं थे तो जितने भी हम ग्रंथ देखते हैं उनमें प्रकृति शब्द का इस्तेमाल किया गया है और प्रकृति के लिए सूर्य वायु जल मिट्टी अग्नि जो ये पांच तत्व जो हैं इनके बारे में बात की गई है सो इन देवों का मनुष्य के लिए और अन्य जीव जंतुओं के कल्याण के लिए कामना करते हुए इसका एक विशिष्ट उल्लेख है और जिससे हम समझते हैं कि जो आज वर्तमान में जिसको हम पर्यावरण कहते हैं या आर्द्र भूमि या जैव विविधता जिसको जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रकृति के चारों ओर घुमा करती थी और अगर इन चीजों को हम बहुत ही व्यापक रूप से समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आया है और खासतौर जब उन्होंने छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठाया था तो आज वर्तमान स्थिति में उसको आप आपदा प्रबंधन कहेंगे इसी तरह से जब भागीरथी का जिक्र आता है कि वो गंगा को हिमालय से या स्वर्ग से जमीन पे लाए थे तो आपको कहीं ना कहीं वो सिविल इंजीनियर या हाइड्रोलॉजिस्ट उसमें दिखाई देते हैं तो हम वर्तमान जो परिभाषाएं हैं उनको यदि हम कोशिश करें देखने की तो हम पाएंगे कि जो संस्कृत के ग्रंथ हैं जो हमारे वेद हैं उनमें कहीं ना कहीं इन चीजों का बहुत अच्छी तरह से उल्लेख किया गया मृदाया वर्णम दृष्टवा मृत्ति प्रकृति व दृष्टवा वस्तुतः जलोपलब्धताषय बृहत्संहितादी ग्रंथेशम लिखित अस्त तरी उ तीन कथम आधुनिक विज्ञानीन ये बवंती भाव है जाता है कदाचित नमः एतादृशा उद्धरणी अः नाम पठिवा जब आचार्य महीर का जो बृहत्संहिता संहिता ग्रंथ है उसको यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें भूमिगत जल विज्ञान की काफी विस्तृत विवरण है और वो विवरण सारे वैज्ञानिक हैं और आज की तारीख वर्तमान में भी जब हम देखते हैं तो उनका कहीं ना कहीं लिंकेज हम देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में है जिसको हम लोग जनरली ट्रेडिशनल नॉलेज बोलते हैं जो लोकाकिक परंपराएं जिनको हिंदी में कहा जाता है तो उनका इस्तेमाल होता है वो इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल होता है उधर कहीं ना कहीं जब गांव में आप आ, एरियाज में जाते हैं तो उधर भी उसका इस्तेमाल हो रहा है एक हम लोग देखते हैं कि पुराने कुएं जो हैं, या बाउडी जिनको कहा जाता है दिल्ली संस दिल्ली के आसपास वो सभी इसी तरह की लौकिक परंपराओं और इस तरह के ज्ञान से ही बनी गई है और आज की तारीख में भी उसमें जल की उपलब्धता है तो मेरा मानना है कि जो हमारी बृहद संगीता में जो आ, इसके बारे में भूमिगत जल के बारे में जो चीजें कही गई हैं वो पूरी वैज्ञानिक है और उसका आज वास्तविकता में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है हम चाहे वो बारिश हो चाहे प्रकार की वनस्पति हो जिनको हम इंडिकेटर्स मानते हैं कि किस स्थिति में कहा कितनी गहराई में पानी मिलेगा इसका ज्ञान हमें कहीं ना कहीं इन ग्रंथों से मिलता है साम्प्रतमेव टर्की देशे आगतः वस्तुतः प्राणिविज्ञानम् आश्रित्य अपि नाम भूकम्पस्य पूर्वसूचना लभ्यते इति पक्षिणः यथा कूजन्ति पूर्वत्र एव पूर्वमेव शुनकाः इतस्ततः धावन्ति तरी एतादृशानि नाम उदाहरणानि अथवा लिखितं स्यात् तत्र संस्कृते साहित्ये कथञ्चित् लभ्यते तरी ईदृशानि उद्धरणानि कथमेव उपकुव्ह आधुनिकज्ञानी देखिए कोई भी संस्कृत संस्कृति और हिंदू इन शब्दों को यदि जानता है तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश की व्याख्या को बहुत अच्छी तरह से समझता है तो जब भी हम भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप का बहुत बार उल्लेख किया गया है खासतौर जब हम महेश शिव की जब हम बात करते हैं लेकिन अगर आप उसको क्वेंटिफाई करने की कोशिश करें तो आज की तारीख में हम लोग समझते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से अर्थ आता है भूकंप आता है और अगर आप वैदिक लिटरेचर में इसको पढ़े तो कहीं ना कहीं आठ दिशाओं में आठ हाथियों की तुलना जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उससे की गई है फिर आपको और भी लिटरेचर है जैसे आ, सागर पंच सिद्धांत की ग्रंथ है, है, है इनमें भी बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी हैं जो आधुनिक विज्ञान से मिलती है और जो हमें बताती है कि ये वायुमंडलीय हवा के कारण या मेघों के कारण या जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक आता है तो वो बहुत ही रिलेवेंट है जो आज की आधुनिक विज्ञान में जिस तरह से विख्यान जिस तरह से उल्लेख किया गया है वो आप पाएंगे कि हमारे संस्कृत के जो भी लेख रहे हैं जो भी ग्रंथ रहे हैं चाहे अथर्वेद है या चाहे संहिताएं जितनी भी हैं उनमें इनका बहुत अच्छी तरह से उल्लेख किया गया है अंतिम प्रश्न है मम यस्कृतम पर्यावरण विज्ञानम च वस्तुतः तो नाम अनोन संबंध युता अय विषय तरी आधुनिक ये सी जिप्ति ये वस्तु सर्व संस्कृते अस्त पर था विधम ये अधुनासिक सैन तरी भाव य पर्यावरण विज्ञानी संस्कृते स्निग्ध जन है तरीशन विषयान कथमिव भा कथम अवगम भाव अन्यान जी वर्तमान में जब मैं भारतवर्ष को देखता हूं या पूरे वैश्विक पटल पे जब चीजों को देखता हूं तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं हमारी आधुनिक जीवन शैली जो है वो अर्थ और काम को मुख्य रूप से देखती है और जो धर्म जो है वो पृष्ठभूमि में चला गया है कहीं ना कहीं हम उपभोग जो है उस तरह की मानव संस्कृति में है जो संस्कृति की अपसंस्कृति में जिसको जिसने बदल दिया है तो मुझे यह लगता है कि संस्कृत और पर्यावरण के साथ साथ हमें संस्कृति भी जोड़ना चाहिए जिससे हमको इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा क्योंकि जब हम पर्यावरण में असंतुलन की बात करते हैं तो उसका मुख्य कारण जो है मनुष्य है सो हमें जरूरत है कि हम मनुष्य को जागृत करें और हम समझें कि किस तरह से हमारी संस्कृति ने जो भी पर्यावरण में जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उसका दृष्टिकोण हमें क्या दिया था हमें उस दृष्टिकोण को जागृत करने की जरूरत है और हमारे संस्कृत के जो ग्रंथ हैं या जो हमारी संस्कृति जो है उनको उनमें इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है और प्रकृति के प्रति हमें सचेत करती हैं हमें ये नहीं बोलती कि हम उसके रक्षक हैं हमें ये बताती है कि मनुष्य वास्तव में प्रकृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अब आज की तारीख में यदि आप देखिए विश्व पटल पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आ, मिशन दिया जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट ये कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति के जो मूल जो है उस पर आधारित है कि हम ये बात कर रहे हैं कि हमें प्रकृति के अनुरूप और प्रकृति के लिए अपनी जीवन शैली को परिभाषित करना है यही आप अगर आई देखें जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की जो बात करता है तो वर्तमान में वो नेचर बेस्ड सोल्यूशन की बात कर रहा है इसका मतलब प्रकृति पर आधारित संभावनाओं को बढ़ाने की जरूरत है तो इन सभी का जिक्र हमारे संस्कृत के ग्रंथों में वेदों में और हमारी संस्कृति में इसको बहुत अच्छी तरह से दिया गया है और कहीं ना कहीं ये हमारे परिवारों में संस्कार के रूप में दिए जाते थे जो हमारे पूर्वजों से जो अगली पीढ़ी को ये एक संस्कार के रूप में दिए जाते थे हमें जरूरत है कि मनुष्य को हम संवेदनशील बनाए और जो ये विशिष्ट आयाम जो है पर्यावरण और प्रकृति के प्रति उसको हम लोग उजागर करें तो मुझे लगता है संस्कृत संस्कृति पर्यावरण ये सभी तभी समझ पाएंगे धन्यवाद प्रोफेसर पवन कुमार जोशी भवता अस्पदीय कार्यक्रम स्वीय अमूल्य समय प्रदत्ता तदर्थम बहुश धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार अहो ज्ञान वर्धक रुचिकर ची संवाद एष नूनमे अय प्रिय प्रेक्षका